हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको स्वागत है न्यूज़ विद आईएएस में। और उत्तर प्रदेश में वीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स अपने वीएड एंट्रेंस को एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर 29 जुलाई की डेट दी गई है सभी स्टूडेंट्स को कि उत्तर प्रदेश में वीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 29 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइंस के बाद 31 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने के आदेश दिए गए, जिस वजह से जुलाई में इंट्रेंस एग्ज़ाम होना अब संभव नहीं लग रहा है। फिलहाल यहां पर आप देख सकते होंगे इस न्यूज़ को आज दिनांक 30 जून 2020 को ऑफिशियली iNext न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया है। 29 जुलाई को होगा यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम, सेंटर्स फाइनल कर दिए गए। दो बार पहले भी बदली जा चुकी है लिस्ट सेंटर्स की। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है 300 स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम सेंटर्स पर एग्ज़ाम देंगे। इसके साथ ही 29 जुलाई को होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि 29 जुलाई को बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, हम भी यहाँ पर 100% श्योर नहीं है कि आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 29 जुलाई को कंडक्ट हो ही जाए, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं उन्हें 30 जून के बाद कराने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब आपको पता ही होगा शासन की तरफ से सभी यूनिवर्सिटी परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं और ये निर्णय केवल और केवल परिस्थितियों के आधार पर ही लिया गया है। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ को मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जो एड एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी शासन जो है वो परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णय को चेंज कर सकता है, बिकॉज उसके पास इस बात का अधिकार है। सो अभी जो न्यूज़ आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि पहले तो आपने बोला था कि वीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 29 जुलाई को होगा और यदि बाद में न्यूज़ चेंज हो जाती है तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो न्यूज़ जो थी वो फेक थी, आप फेक न्यूज़ देते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा फेक न्यूज़ वाला कोई सिस्टम नहीं होता है, बिकॉज ना ही हमारे पास ऐसी कोई मशीन है कि जिससे हम फेक न्यूज़ तैयार कर सकें। फिर मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइप की जो न्यूज़ होती हैं, गवर्नमेंट के जो इस टाइम निर्णय हैं वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि सभी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ ने, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने परीक्षा कार्यक्रम भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिए थे, अब वो परीक्षा कार्यक्रम भी यहाँ पर रद्द हो जाएंगे। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एग्जामिनेशन स्कीम जारी की गई थी वो भी एक टाइप की फेक थी। बट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि फेक वाला ऐसा कोई भी मामला नहीं होता है, यहाँ पर जो न्यूज़ होती हैं वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, ये आपको समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ का आपको एक्सेप्ट करना होगा कि जो न्यूज़ होती हैं वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। इस समय कोरोना महामारी के चलते कुछ भी संभव हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे MJPRU ने सेंटर्स की लिस्ट फाइनल कर भेजी लखनऊ विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलती है तो 29 जुलाई को आपका जो वीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो निश्चित रूप से कंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 29 जुलाई को होने वाली वीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए शहर MJPRU ने सेंटर्स की लिस्ट मंडे को फाइनल कर दी है। वीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने बरेली में 55 सेंटर्स की लिस्ट फाइनल की है। इसके अलावा अमरोहा में 6 सेंटर्स, बदायूं में 6, शाहजहाँपुर में 10, बिजनौर में 16, मुरादाबाद में 54, पीलीभीत 6, रामपुर 5, संभल में 4 एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए। कोरोना काल में इंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाने के लिए इस पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती रहे इसके लिए प्रत्येक केंद्र पर 300 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी वीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।